नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका नेवी ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार कि आपका एडमिट कार्ड आज तक क्यों नहीं आया, अभी तक आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, जबकि फॉर्म भरे हुए आई थिंक एक साल पूरा होने जा रहा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और मैंने एक RTI फाइल करी थी, उसका रिप्लाई आ चुका है और रिप्लाई भी बहुत अच्छा रिप्लाई है, आपके फेवर में आया है। तो क्या रिप्लाई आया है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेवी ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर पेपर आपने डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि वेबसाइट मैंने ओपन करके नेवी ट्रेड्समैन की आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी की। इसमें अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, ये आपका आया हुआ है। बॉयलर मेकर हो गया, सिविल वर्क्स हो गया, यानी चार्जमैन की जितनी पोस्ट थी आपकी, चार्जमैन का जिस भी कैंडिडेट ने चार्जमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस उनका सबका रिजल्ट आ चुका है और आपका स्कोर भी आ चुका है। यानी आपने आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया, आपका स्कोर भी आ चुका है, आपकी रैंक भी आ चुकी है, रैंक 1 है, 2 है, क्या है, जो भी आपकी रैंक है आप सारा कुछ देख सकते हैं। आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए एक बात करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है। तो जो मेरे पास RTI का जो रिप्लाई आया दोस्तों, ये मेरे पास कल आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये है RTI का रिप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए फॉरवर्डिंग ऑफ RTI रिपोर्ट, ठीक है, ये कुछ डिटेल्स होते हैं जो कि मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपनी क्वेरी दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या क्वेरी करी थी। तो आप देख सकते हैं RTI क्वेरी डेट, मैंने 20 जनवरी 2024 को RTI फाइल करी थी, ठीक है। अब क्वेरी मैंने क्या क्या करी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेरी ये करी थी मैंने, व्हेन विल द नेवी ट्रेड्समैन मेट अंडमान एंड निकोबार एग्जाम भी हेल्ड, यानी जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एग्जाम वो कब होगा। दूसरी क्वेरी मैंने करी थी, हाउ मैनी फॉर्म्स फिलअप इन इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। इसका पूछा था मैंने, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स फॉर ट्रेड्समैन मेट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कट ऑफ जो है, कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप नेवी ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन पूछा था मैंने, व्हेन विल द नेवी ट्रेड्समैन INCT 2023 का एग्जाम कब होगा, ठीक है, जो कि उसका एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो ठीक है, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका सबसे पहला पॉइंट, इसका जो है इसका रिप्लाई आ चुका है, ठीक है, इसका रिप्लाई आ चुका है। आप देखिए रिप्लाई बहुत ही अच्छा आया है, रिमार्क्स में आप देख सकते हैं, स्क्रूनिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन प्रोग्रेस बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपने जितने भी कैंडिडेट ने नेवी ट्रेड्समैन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए अप्लाई किया था, उनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे उसकी स्क्रूनिटी चल रही है। स्क्रूनिटी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि जो भी आपने डिटेल फॉर्म में भरी है, ठीक है, और आपने जो भी ID प्रूफ अटैच किए हैं इसके साथ, अपने 10वीं 12वीं के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, ITI की जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपने जो भी अटैच किए, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपने डिटेल्स फॉर्म में फिल करी है, उसको जो भी आपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट से मैच किया जाता है। यदि आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच पाई जाती है, चाहे आपके मार्क्स हो, चाहे आपका नेम हो, चाहे आपका एड्रेस हो, चाहे आपका आधार कार्ड नंबर हो, ठीक है, कोई भी डिटेल से यदि आपकी मिसमैच पाई जाती है, तो जो आपका फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो आपका फॉर्म है आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आपकी सारी डिटेल्स मैच हो रही हैं, जो भी आपने बायोडाटा फॉर्म में भरा था और जो भी आपने ID प्रूफ वगैरह लगाए थे और जो भी आपने क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, यदि उससे आपकी डिटेल्स मैच होती है, तब आपका जो है जो फॉर्म है आपका एकदम ओके होता है, तब आपकी एक फाइल बना दी जाती है, ठीक है। अब जिस भी कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उसका तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा। जिसके फॉर्म ओके होते हैं उसका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ जो आपका ये प्रोसेस है स्क्रूनरी का, जो आपका प्रोसेस है दोस्तों, इसमें इस प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 महीना आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म अप्लाई बहुत कम हुए हैं, नेवी ट्रेड्समैन के मुकाबले बहुत कम इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो मान के आप ये चल सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना जो है आपका ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है, इनके बोर्ड के द्वारा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम या एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो आज जो डेट है आपकी, ये है आपकी 5 जुलाई है आज, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से लेके सितंबर 15 तारीख के बीच कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो इसका एडमिट कार्ड है वो आपका एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट इसकी आएगी और इसका एडमिट कार्ड भी 15 दिन पहले आप आ जाएगा, ठीक है। फ़ोन पे इसका मैसेज आ जाएगा या तो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे कुछ भी आएगा, चाहे वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आए, चाहे आपका एडमिट कार्ड आए, ठीक है, जो भी आएगा मैं आपको एक वीडियो बना के उस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है या आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई और क्वेरी है नेवी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।